नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एग्जाम टीवी पे स्वागत करता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन है, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने के बाद भी आप बोलोगे कि 3200 आंसर होगा, 320 होगा या 32 होगा, कन्फ्यूजिंग की स्थिति होगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊँगा। तो देखना, आपको दिया गया है कि 1/3.125 ये बराबर दिया हुआ है 0.32 के। आपको मान ज्ञात करना है 0.000 फिर 3125, मतलब ये तो टर्म सेम है, आपको केवल पॉइंटों का ही ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ पे आएगा। 3200 होगा, 32 होगा, 320 होगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो देखो, जो ज्ञात करना है वो आपको बनाना है नीचे की तरफ। अब अगर यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट ये तीन से देखो, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे इसमें, तो पॉइंट देखो 1 2 3 4, चार के बाद में लग रहा है पॉइंट। अगर इस संख्या में मैं 1 2 3 4 इसका मैंने भाग दे दिया और इसी संख्या को मैंने 1 2 3 4 इसे मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी एज इट इज बराबर में 0.32 सही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम चीज़ है। अब देखो, ये जो भाग दे रहा हूँ, ये भाग देख के मैं इसको लिख रहा हूँ। देखो तो ये होगा 1, ऊपर तो 1 है, नीचे क्या है। अब देखो, इंटू 1000 है ये 10000। अब 1000 का इसमें भाग दूंगा, तो पहले पॉइंट यहाँ पे था, तो पॉइंट ही चार अक्सर आगे और खिसक जाएगा, तो एक तो ये हो गया, फिर 2 3 और 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। और यही जो ये 1/0.000325 1/1 में इसका मान याद करना है और आपको बराबर में ये दिया गया है। अब देखो, इसका तो मान याद करना है, तो इसको मैं एक साइड में रख लेता हूँ और जो बाकी बचा हुआ है उसको दूसरी साइड में पहुँचा दूंगा, तो ये है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो 1/0.000325 बराबर ये 0.32 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10000 से। जैसे ही इसको मैं 10000 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 3200, क्योंकि इसके आगे 4 जीरो लगेंगे, फिर पॉइंट की वजह से 2 जीरो अट जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, 3200। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको करना है, जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है वही आपको यहाँ पे बनानी है, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी होगा और आप 100% कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मैंने किया है जो सही किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।